हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बाचवा। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जिंदर बहाल ने फाइनली अपना रिटर्न कर लिया है आज, प्लस रोमन रेंस के बारे में क्या है बड़ी अपडेट। दोस्तों, तो आज की रॉ खत्म हो चुकी है और आज के रॉ में हमें काफी सारे शॉकिंग थिंग्स देखने मिले। ग्रैंड रिटर्न से लेकर शॉकिंग सीनारियोस हमें देखने मिले आज की रॉ में। दोस्तों, क्या जिंदर बहाल ने अपना रिटर्न कर लिया है फाइनली, प्लस रोमन रेंस के बारे में कौन सी बड़ी अपडेट आई है, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट हम बात करते हैं आज के रॉ के शॉकिंग थिंग्स के बारे में। दोस्तों, आज के रॉ में शॉकिंग थिंग्स की बात करें तो पहली जो शॉकिंग थिंग हमें देखने मिली है वो है ईवा मरी का रिटर्न। WWE यहाँ पर ईवा मरी का एक वीडियो दिखाते हैं और वहाँ पर वो हाइप करती है उनका रिटर्न। अब ईवा मरी को कौन से तरीके से यूज़ करेंगे WWE, ये हमें देखना होगा। बट ईवा मरी के रिटर्न से फैंस की जो चली है, फैंस मतलब स्मार्क्स की, वो देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर कोई भी अच्छी दिखने वाली सुपरस्टार आती है WWE में जिसके इन रिंग स्किल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इनको हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो इनकी जलती देख काफी पसंद आ रहा है रेसलिंग बादशाह को। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं आज के रॉ के मेन इवेंट में। आज के रॉ के मेन इवेंट में हमने देखा बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन की मैच होती है। मैच काफी ज्यादा अच्छी होती है, पर यह मैच एंड होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन की हार से, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ब्रॉन स्ट्रोमैन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर बॉबी लैशली एक तगड़ा स्पीयर लगा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को और फिर उन्हें पिन करके वो मैच जीत जाते हैं। उसके बाद बॉबी लैशली को एक जबरदस्त क्लेमोर किक पड़ती है ड्रू मैकइंटायर से। और अब दोस्तों, नेक्स्ट वीक ऑन ड्रॉ हमें बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर और नॉन टाइटल मैच देखने मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वीक का रॉ भी काफी मजेदार होगा, तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए। अब कल रेसलिंग बादशाह ने प्रेडिक्ट किया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ होगी बॉबी लैशली की मैच, क्योंकि आज ऐसा था कि बॉबी लैशली चुन सकते थे ब्रॉन स्ट्रोमैन या फिर ड्रू मैकइंटायर को, बट रेसलिंग बादशाह ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को चुना और वही मैच हुई आज की रॉ में। सो देयर यू गो, रेसलिंग बादशाह का प्रेडिक्शन राइट हुआ है। एनीवेज दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रोमन रेंस से। दोस्तों, रोमन रेंस ने अपना जो थीम सॉन्ग है वो चेंज कर दिया है और उनका जो न्यू थीम सॉन्ग है वो काफ़ी कमाल का है। और रोमन रेंस के न्यू थीम सॉन्ग की बात करें तो WWE रोमन रेंस का न्यू थीम सॉन्ग बना रहे थे लास्ट ईयर के समर स्लैम के बाद, जब उनका रिटर्न हुआ था। एंड लास्ट ईयर जे उसो के मैच से पहले ही रोमन रेंस ने कन्फर्म किया था कि उन्हें एक न्यू थीम सॉन्ग मिलने वाला है, बट राइट टाइम चाहिए उसे डेब्यू करने के लिए, और वो राइट टाइम अब आ गया है। तो दोस्तों, WWE वालों ने रोमन रेंस का जो न्यू थीम सॉन्ग है उसको अपलोड कर लिया है अपने YouTube चैनल पर, और उस थीम सॉन्ग का नाम है हेड ऑफ द टेबल। तो आप सुनिए इस थीम सॉन्ग को, काफ़ी कमाल का थीम सॉन्ग है। सो लेट्स सी आने वाले स्मैकडाउन में हमें क्या देखने मिलेगा रोमन रेंस का एंगल। अब दोस्तों, बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है जिंदर महल से। दोस्तों, जिंदर महल काफ़ी टाइम से WWE से बाहर है और सभी लोग उनका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। जिंदर महल एक ऐसे सुपरस्टार है जो रीसेंट टाइम के काफ़ी बड़े हील है। जो हमारे इंडिया का इवेंट हुआ था WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल, उसमें हमें जिंदर महल की मैच देखने मिली थी, बट उस इवेंट के बाद से हमें जिंदर महल का रिटर्न देखने नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज जो मेन इवेंट की टेपिंग हुई थी उसमें दो मैचेस हमें देखने मिले थे। पहले मैच में रिकोशिट वर्सेस मुस्तफ़ा अली का मैच था, जहाँ पर रिकोशिट ने हरा दिया मुस्तफ़ा अली को। और दोस्तों, जो दूसरा मैच था वो था जेफ हार्डी वर्सेस द रिटर्निंग जिंदर महल। और दोस्तों, इस मैच में जिंदर महल ने हरा दिया है जेफ हार्डी को। जिसने जिंदर महल को मदद की है वो है WWE NXT के सुपरस्टार, WWE NXT सुपरस्टार एंड हमारे इंडिया के प्राउड इंडस शेर ने, रिंकू एंड सौरभ ने मदद की है जिंदर महल की। तो दोस्तों, जिंदर महल एंड इंडस शेयर का एक फैक्शन बन चुका है अभी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये तीनों जन कब आते हैं रॉ या फिर स्मैकडाउन में। आपको पता होगा कि जिंदर महल रॉ के पार्ट थे, बट वो फिर से इंजर्ड हो गए थे और चले गए थे रिहैब में। अब अगर WWE उन्हें वापस लाना चाहती है मेन रोस्टर पर, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उन्हें वो रॉ में डालते हैं या स्मैकडाउन में। अब उनके साथ सिंह ब्रदर्स नहीं हो सकते प्रोबेबली, अब उनके साथ होंगे द अनस्टॉपेबल, द मॉन्स्टर्स, इंडस शेयर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जिंदर महल का रिटर्न हो चुका है और उनके साथ जुड़ चुके हैं हमारे सुपरस्टार्स इंडस शेयर, रिंकू एंड सौरभ। सो लेट्स सी क्या होता है इनका
इन द कमिंग टाइम। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का रॉ, सेकंड आप कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट वीक के मैच के लिए ऑफ ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली, थर्ड आपको कैसा लगा रोमन रेंस का न्यू थीम सॉन्ग, एंड फोर्थ आप कितने खुश हैं जिंदर महल के रिटर्न से और इंडस शेयर के उन्हें ज्वाइन होने के ऊपर भी। सो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।